अस्सलामुअलैकुम, हेल्थ इज़ वेल्थ में आपके साथ है निदा खान। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ चुका है और कनाडा वगैरह में सब जगह वैक्सीन वगैरह आ गई है, लेकिन जो कुछ इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ इश्यूज आफ्टर कोविड, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर फहीम, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। सलाम मॉन्ट्रियल कनाडा और दुनिया भर में प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले मेरे तमाम नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतरीन। डॉक्टर साहब, आप जैसे जानते हैं कि कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत कंट्रोल हो गया, जी हुआ है। और लेकिन आजकल मतलब जो मैं आपसे आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ इश्यूज आफ्टर कोविड के उसमें। जी जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी जी, जैसे कि आप देखते हैं कि आफ्टर कोविड जो है कुछ मतलब होता है कि तबीयत ख़राब, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम काफ़ी अरसे तक रहता है, मतलब किसी किसी में, ये क्या वजूहात है, ये क्यों रहता है? देखिए निदा, पता क्या, इसको इसके जवाब से पहले एक रियलिटी है जिसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। क्यूबेक के प्रीमियर ने कर्फ्यू लगाया अब टोरंटो में भी, और उससे यकीनन केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुए हैं। लेकिन हो ये रहा है, जो रियलिटी है वो ये है कि दुनिया में तकरीबन मिलियंस के करीब 115 मिलियंस लोग जो हैं कोविड से मुतासिर हुए, लेकिन जो मरने वालों की तादाद है जी, वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। अच्छा, 97% लोग वो हैं जो कोविड से रिकवर हुए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका जानना और इस रियलिटी का समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि जो लोग 97% रिकवर हुए उनमें से 10 से 15% वो हैं जो बहुत सीरियसली इल हुए, 5% से 8% वो लोग हैं जो बहुत क्रिटिकल इल हुए, बाकी लोगों को वायरस आया, माइल्ड से मॉडरेट केसेस रहा और चला गया कोरोना। लेकिन उन लोगों में जिनको कोविड हुआ, जो 97% है, 97 to 98% कोविड ख़त्म होने के बाद, यानी कि उनके ब्लड में, उनके बॉडी में कोविड वायरस नेगेटिव आने के बाद भी कुछ दिनों तक और बहुत देर तक, इवन कुछ केसेस में 5 से 6 महीने के बाद में उनमें कुछ अलामत बरकरार रहती है। एक मेडिकल जर्नल है, उसका नाम है द लैंसेट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल जर्नल। लास्ट मंथ के पब्लिकेशन में उसका एक फिगर आया है, दैट इज़ 76%, यानी 76% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना होने के बाद ठीक हो गए, ठीक होने के बाद भी उनके जिस्म में कोई ना कोई अलामत, खांसी की सूरत में, बुखार की सूरत में, सुस्ती की सूरत में, किसी ना किसी तौर पे ये अलामत बरकरार रहती है। अच्छा। इसको जो मेडिकल साइंस है, आज का जो मेडिकल साइंस है, इसका कोई क्लियर कट डिफिनेशन नहीं है और ना इसको कोई टैग किया। कहीं इसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है। अच्छा। कहीं इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहा जाता है। अच्छा। कहीं पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहा जाता है और कहीं लॉन्ग हॉलर्स कहा जाता है। अच्छा। आप कुछ भी कहें, इशू ये है कि कोविड से जान छूटने के बाद भी कुछ दिनों तक और काफ़ी देर तक कुछ ना कुछ अलामत बरकरार रहती है। अच्छा, मैं इसमें, मुझे एक और फिगर याद आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का एक फिगर है, वो भी बिल्कुल रिसेंट फिगर है, जनवरी का। वो ये कहते हैं कि 30% ऑफ द पेशेंट जो कोविड से रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई एक आध सिम्टम बरकरार रहता है। इसी तरह चाइना के एक स्टडी है, वो ये कहते हैं कि 3/4 ऑफ द पेशेंट्स जो कोविड हुआ ठीक हो गए, उसके बाद भी उनको कोई ना कोई सिम्टम अलामत बरकरार रहती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह मैंने कहा कि जो सबसे मारूफ नाम है वो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम, नाम कोई भी हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जिस पे सबसे ज़्यादा कैनेडियन हेल्थ कैनेडा भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है, वो ये कि किसी को कोविड हुआ, कोविड 19 का शिकार हुआ, ठीक होने के बाद अपना राबता डॉक्टर से मुनकता ना करे। अच्छा। डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाए और कोई भी ऐसी अलामत जो अनयूजुअल हो उसके लिए फौरी तौर पे डॉक्टर से राबता करे। और कनाडा के भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्लिनिक्स मौजूद है, जहाँ पर जाकर अपना इलाज कराए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू जो इमर्ज कर रहा है कोरोना वायरस के
ठीक होने के बाद। अच्छा, ठीक होने के बाद। सही, मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो कोविड सही हो गया तो बस समझते हैं कि बस अब सही हो गया, रिपोर्ट क्लियर आ गई, उसके बाद छोड़ दिया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सही। और उन लोगों को फॉलो अप ट्रीटमेंट को कहते हैं। अच्छा। अपने डॉक्टर से, जिस डॉक्टर ने, जिस फिजिशियन ने उसका इलाज किया है, उससे रابطے में रहें। कोई ऐसी चीज उनके जिस्म में महसूस होती है, फीवर है, टेम्परेचर, कुछ भी अलामत अनयूजुअल है जो रूटीन पे नहीं होती उसके साथ, तो उसके लिए वो डॉक्टर से लाजमी तौर पे रابطہ करें। क्योंकि बाज़ औक़ात ये इस कदर सीरियस हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कि इसके लिए फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर या दीगर जगहों पे जाने की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़रूरी है जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जो एक नई इमर चीज़ है, उसके लिए डॉक्टर से रابطہ रखें। अच्छा अच्छा, अरे डॉक्टर साहब ये बताएं पोस्ट कोविड की अलामतें क्या हैं? देखें, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत केसेस हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और 76% का जिक्र किया मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का एक फिगर दिया मैंने, 30% ऑफ द पेशेंट्स। होता क्या है, ये इन पेशेंट्स को कोरोना हुआ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकली इल, जो भी हुआ, सर्वाइव कर गए, 97% पे आ गए। अब होता क्या है कि उनमें कुछ दिनों के बाद फैटी, बहुत ज़्यादा थकावन, थकावट का एहसास, बॉडी पेन, मसल्स पेन, इंटरमिटेंट फीवर, कभी सुबह, कभी शाम, कभी एक दिन बुखार, दो दिन ठीक, कभी तीसरे दिन बुखार, कभी चौथे दिन बुखार। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पहले सीढ़ियाँ चढ़ते थे कुछ नहीं होता था, पहले वॉक करते थे कुछ नहीं होता था, लेकिन कोविड के बाद क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगा है, चेस्ट पेन होने लगा है, कफ बहुत ज़्यादा रहने लगा है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है, और जैसे कहते हैं ना कि पॉन्डिंग ऑफ हार्ट, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, दिल ऐसा लगता है कि बैठा जा रहा है, कमज़ोरी, स्वेटिंग, पसीना आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, भूलने, नींद जो है वो सही तौर पे नहीं हो पा रहा है, टेस्ट और स्मेल स्टिल कोविड से निकलने के बाद भी। अच्छा, बहुत अच्छा। सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें टेस्ट और स्मेल का इशू जो है वो बरकरार रहता है, अगर इस तरह की चीज़ें हों। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेंटल इलनेस की तरफ भी पेशेंट जा रहा होता है। अगर इस तरह की कोई अलामत नज़र आए, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से हो, रेस्पिरेटरी के हवाले से हो, हार्ट की तरफ के हवाले से हो, कोई अनयूजुअल सी चीज़ महसूस हो रही है, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, बहुत लाजिम है। वो डॉक्टर जिसने आपका कोविड के दौरान आपका मॉलेज था, आपका इलाज कराया, उससे लाजमी तौर पर आप रब्ता करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं ये पोस्ट कोविड का दिमाग पे भी कोई असर पड़ता है, कुछ है इसके अलामतें? मैंने पहला प्रोग्राम किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो थाई स्ट्रेस पे, उस पे हमने जिक्र किया था, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम। एक चीज़ है, एक जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, जो हमारा अपना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्किल, यानी कि फैसला करने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, डिसीजन लेने की सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल, हमें क्या करना है, मूड कैसा है, हमें किस मौके पे कौन सा फैसला करना है, कंसंट्रेशन कब देना है, फोकस किस चीज़ पे करना है, ये सारे कॉग्निटिव स्किल हैं। और ये रिसर्च में ये बात तय है कि वो लोग जिनको कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम में, उनका जो कॉग्निटिव स्किल है, यानी कि उनका जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, या जो उनका मैनेजेरियल स्किल है, राइटिंग कैपेसिटी, वर्बल कम्युनिकेशन कैपेसिटी, ये सारे स्किल जो है बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। और इसके लिए यकीनन अगर आप महसूस करते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम में, या कोविड से ठीक होने के बाद अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो फौरी तौर पर रब्ता करें। और आपने मेंटल हेल्थ की बात की, इसमें मैं एक बात बताऊं कि ना कि कॉग्निटिव स्किल, बल्कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, खौफ, अनजाना खौफ, ये बहुत ज़्यादा होता है, पोस्ट स्ट्रेस जिसका मैंने जिक्र किया, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम। एक मैं फिगर बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है आपको, कनाडा में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन्स शेल्टर कनाडा। इस सारी चीज़ों में ये जो मैंने अलामत बताई कि फटीग भी है, इलनेस भी है, फीवर भी है, हेडेक भी है, डिजीनेस भी है, आपका फोकस करने का, डिसीजन मेकिंग स्किल भी, इसके अलावा एक और मेंटल इलनेस, मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कनाडा में। अच्छा। और वो एक रिपोर्ट है, वुमेन्स शेल्टर कनाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। उनकी एक रिपोर्ट है, कोविड के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा हुआ है। अच्छा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इन द सेंस उन्होंने कहा है कि ये क्वारंटीन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में ज़्यादा रहे,
मतलब बाहर नहीं निकल पाए। इसकी वजह से जहाँ पर इसका एक बेनिफिट हुआ है कि फैमिली बॉन्डिंग हुई है, लोग आपस में मिल सकें, फैमिली के लोग आपस में बरसों नहीं मिलते थे, लेकिन इस क्वारंटीन की वजह से या लॉकडाउन की वजह से जहाँ फैमिली एसोसिएशन हुई है वहाँ पर ये फिगर भी है, दैट इज़ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में भी इजाफा हुआ। ये फिगर है अमेरिका वुमेन शेल्टर कैनेडा का एक फिगर है जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ है नवम्बर दिसंबर में, उसमें ये फिगर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये इस पोस्ट कोविड में जो ये नफसियाती मतलब पैदा जो हो रहे हैं साथ, इसे क्या वजूहत हैं? देखें, ये जो मेंटल इलनेस या कॉग्निटिव स्किल का थोड़ा सा कम होना या दीगर अलामत, जो फिज़िकल इलनेस है उसकी तो अपनी एक वजह मौजूद है, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो बिहेवियर में चेंजेस, डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया, इसकी यकीनन बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से जो चंद है जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि गैर यकीनी की कैफियत, बे यकीनी की कैफियत, यू आर नॉट श्योर के 2021 शुरू हो गया जी, मार्च का महीना शुरू हो गया, सही, व्हाट नेक्स्ट हमें नहीं पता, बेयकीनी की कैफियत में हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर रह गए, आइसोलेशन है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियली जी, बहुत सारे 2020 ऐसा लगता है हमारी जिंदगियों में नहीं आया, लोगों में स्ट्रेस बहुत है, मेंटल से, फाइनेंशियल से, फाइनेंशियली बहुत सारे लोग दे आर ब्रोकन, बिल्कुल टूट चुके हैं फाइनेंशियली, जॉब में नहीं है, जॉबलेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यंगस्टर में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने एक अपना स्केड्यूल बनाया हुआ था 2020 में ये करना है, 21 में ये करना है, तो उनके एग्जाम्स पर, दुनिया भर में पढ़ाई, रिजल्ट पे बहुत असर पड़ा है, और एट द सेम टाइम जो जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो मिडिल मीडियोकर बिजनेस करते हैं, जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं, पानी डालते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इसके अलावा वो लोग जो पहले से उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई मेंटल इलनेस से पहले से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। प्लस एट द सेम टाइम जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपरटेंसिव है, जिनको किडनी डिजीज़ है, जिसको हम कोमॉर्बिड फैक्टर कहते हैं, जो लोग पहले से किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है। एक तो फाइनेंशियल ब्लैंड, सोशली आप आइसोलेट होकर रह गए, एक और चीज़ है वो लोग जो आइसोलेशन में, तनाई में रहते हैं और किसी सपोर्ट का, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं लेते, यानी कि उसको कोविड हुआ या कोविड नहीं भी हुआ, ऐसी सूरत में एटलीस्ट कनाडा में ये बेनिफिट और ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप सोशली आपस में लिंक्ड हो सकते हो, कम्युनिटी सपोर्ट है, सपोर्ट सेंटर्स है, जहाँ पर जाकर आप बहुत सारी चीज़ों को वेंटिलेट होते हो, वहाँ से हेल्प आउट लेते हो, उनसे मदद लेते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को वेंटिलेट करने के लिए। तो ये वो मेजर फैक्टर्स हैं, ये वो मेजर फैक्टर्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है, डेट इज़ अनसर्टेनिटी, बेयकीनी की जो कैफियत है, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर 2021 में क्या होने वाला है, वी आर नॉट स्टिल नॉट श्योर, वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन लगाना है कि नहीं लगाना है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, वैक्सीन में मिथ इतने हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रहा है, अंडर क्लाउड में ला रहा है, जिसकी वजह से ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इस वजह से, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये मतलब कोविड ने एक हमें मतलब एक जहनी मरीज नॉर्मल इंसान को भी मतलब कर दिया है कि इंसान मतलब जो जैसा पहले था वैसे बहुत चेंजिंग आई है बहुत। मैं ये बताऊं कि वो लोग जो इस कोविड से गुजर रहे हैं, जो कोविड एरा में जिंदा हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इस कोविड स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करें, कोई भी तरीका होता है, अदरवाइज ये जो पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम है, ये कोविड के ख़त्म होने के बाद हमारे पूरी ग्लोब की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को मुतासर करने वाली है। अच्छा। ये जो कोविड का ये जो पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा है, सिंड्रोम है, दैट इज़ गोइंग टू बी मतलब वो बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वे आउट निकालें, आउट ऑफ द बॉक्स करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उन चीज़ों पे फोकस करें जी। जो आपके कंट्रोल में है, सही। उन चीज़ों पे फोकस हरगिज़ ना करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप ये फार्मूला, एक फार्मूला, वन फार्मूला, कि फोकस ऑन दोज थिंग
विच इज़ इन योर कंट्रोल, जो कंट्रोल में नहीं है सानू की वाला मामला छोड़ो, आगे छोड़ दो उसको, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस पोस्ट कोविड के क्या वजूहत हैं? देखें अभी हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की ना, और पोस्ट कोविड की जो क्लियर कट जिसे कहते हैं ना कि कोई कॉज, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक तो कोविड इमर्जिंग डिजीज़ है, इस पर बहुत सारी तहकीक हो रही है, और कोविड के इटसेल्फ कॉजेज़ में एक तो लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, प्लस ये कि जो आप जो डिज़ीज़ का अपना फेयर है ऑफ होता है, और प्लस ये कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि उनको कोविड हुआ उसके बाद जो है वो किसी कॉम्प्लिकेशन में गया, हार्ट फेल्यूर में गया, रेस्पिरेटरी फेल्यूर में गया, जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बढ़ रहा होता है, प्लस इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। होता यह है कि जब आपको कोविड होता है, कोविड कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम नहीं है, बड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा कोविड में स्टेरॉयड थेरेपी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि स्टेरॉयड थेरेपी की वजह से भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम, बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं जिसमें जिन पेशेंट्स को स्टेरॉयड थेरेपी दी गई तो उन लोगों में उसका परसेंटेज ज़्यादा पाया गया, जिसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। और बाकी दीगर वजूहात मैंने आपको बताई कि पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो, कोमॉर्बिड फैक्टर्स हों, दीगर बीमारी में मुब्तला हो, तो ये सारी वजूहात हैं, कॉज है। लेकिन स्टिल मैं एक बात बताऊं कि कोई आप ये कहे ना कि ये कॉज है जी। हमें कोरोना का तो कॉज पता है, कोविड 19 जो है, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये कोविड 19 की वजह है। लेकिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम किस वजह से हो रही है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, तो मतलब इसका कोई क्या कुछ टेस्ट वगैरह होता है, जैसे कोविड का होता है कि पता चल नहीं टेस्ट करवाते हैं लोग तो आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ सिम्टम्स है। अच्छा, एक शख्स को अगर इंटरमिटेंट फीवर है तो दूसरे को डिजीनेस है, तीसरे को लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। तो कोरोना को डायग्नोज करने का टेस्ट तो है, कोविड 19 को पीसीआर है, एंटीजन है, बाकी दीगर टेस्ट हैं, वो किस शिद्दत में बायोमार्कर्स के जरिए दीगर टेस्ट हैं उसके जरिए आप मालूम करते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम को मालूम करने का कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन आप अलामात को देखकर कि इस पेशेंट में ये अलामात जाहिर हो रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ चांस दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट कोविड सिंड्रोम। अच्छा अच्छा सही। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब कोई ऐसा वो नहीं है टेस्ट वगैरह, इस केस पे हमें मतलब जो आपने बताई है अलामात की बुनियाद पे इसका फैसला करना है कि ये शख्स को पोस्ट कोविड सिंड्रोम है या नहीं है। ये डॉक्टर फैसला करेगा यकीनन, जो उनका फैमिली फिजिशियन है या वो डॉक्टर जो उस कोविड का इलाज करता रहा है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, मतलब कोविड ये जो आप बता रहे हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम? देखें पोस्ट कोविड सिंड्रोम डायग्नोज हो गया अलामात की बुनियाद पर, अगर आपने इसको छोड़ दिया, उसको उस पर तवज्जो नहीं दी, अब तो मैं कोविड से, मेरे जैसे मैं कोविड निकल गया, कोविड से पास हो गया, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये कि अगर आपने वो अलामात जो आप पे जाहिर हो रहा है उसको आपने तवज्जो नहीं दी तो आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे, यानी कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के जो अलामात हैं वो आपके जिस्म के जो आज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसको डैमेज कर सकता है। ये बात हम जानते हैं, ये जो करोना वायरस है ये सबसे ज़्यादा मुतासर किसको करता है, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, लंग्स को। अगर आपने उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, मैं आपको वुहान सिटी चाइना का जिस शहर से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ उसका एक फिगर दूं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन लोगों ने 42% ऑफ द पेशेंट में, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, ये मैं देखा कि उन लोगों को, वो पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेल्योर में गए, यानी उनका लंग्स जो मुतासर हुआ। तकरीबन 36%
36% वो लोग थे जो हार्ट फेल्यूर की तरफ गए। अच्छा, ठीक है। तकरीबन 12% लोग वो थे जो किडनी और दीगर लीवर ऑर्गन्स फेल्यूर की तरफ गए। अच्छा। तकरीबन 7% वो लोग थे जिनको ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, जो ब्लड में क्लॉट, जो आपकी ब्लीडिंग अगर हो जाए उसको रोकने की जो सलाहियत है, ये वुहान सिटी का एक रिसर्च है। अच्छा। मैं आपको बताऊं कॉम्प्लिकेशंस की जी, बात कर रही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जी। इसको समझना जरूरी यूं है कि अगर आप इसको लिफ्ट नहीं कराओगे तो ये भी आपको नहीं लिफ्ट कराने वाला। अच्छा। ये आपको मुतासर करेगा। वो ये है कि सबसे पहले तो ये पेशेंट जो है ये रेस्पिरेटरी फेल्यूर में जाएगा। अच्छा। इस पेशेंट को नमोनिया डेवलप होता है। एक चीज़ होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बहुत तफसील में जाए बगैर ये सारी चीज़ें बन सकती हैं उसके साथ। उसके अलावा हार्ट फेल्यूर, अच्छा, किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर, ब्लड क्लॉटिंग का जो निज़ाम है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिक शॉक कह लें या सेप्सिस कह लें, ये वो अलामत था। इसके अलावा जो मेंटल इलनेस का जिक्र हमने पहले किया, एनजाइटी, स्ट्रेस, फेयर, ये वो कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपने पोस्ट कोविड सिंड्रोम को वैसे ही छोड़ दिया, आप में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के जरिए, वो तमाम लोग जिनको कोविड हुआ है जी, और कोविड होने के बाद उनके रूटीन में कोई तब्दीली है, जिस तरह मैंने अलामात का जिक्र किया, ब्रेथलेसनेस है, डिजीनेस है, इंटरमिटेंट फीवर है, थकावट का एहसास होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा। वो इसलिए रुजू करें, अगर वो रुजू नहीं करेंगे बिकॉज यू डोंट नो ये अलामात जो है, क्या पता आपके बॉडी के किसी ऑर्गन को डैमेज कर रहा हो, तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, जो अगर इस तरह की कोई अलामत जाहिर हो रही हो। जी जी, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप, मतलब पे इसको मतलब इतना वो मत छोड़ें आप लोग, और फौरन डॉक्टर से रुजू करें। सही। अच्छा, हमें डॉक्टर साहब मतलब कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरे पिछले अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसमें ये बात सामने आ गई, कोई भी ऐसी चीज़ जी आप महसूस करती हैं, सही, कोई भी पेशेंट है जो अनयूजुअल हो, सही, तो उसको फौरी तौर पे वो डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप महसूस करते हैं कोरोना हुआ, आपने 10 दिन का क्वारंटीन किया, आपने दोबारा PCR कराया वो भी नेगेटिव आ गया, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज 100+ है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर कोई भी सिम्टम, कोई भी साइन, कोई भी अलामत आप महसूस करते हो जो रूटीन पे नहीं होता आपके साथ, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर फिर आपकी पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, चेस्ट एक्सरे है, दीगर चीज़ें हैं, लैब टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद एक कंक्लूजन में पहुँचेगा नो, कि आपको कोरोना तो ख़त्म हो गया लेकिन वो अपने असरात छोड़ गया, इस असरात को मटाने के लिए आपको ये मेडिसिन है, ये ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो डॉक्टर पर बहुत ज़रूरी है व्हेन टू कंसल्ट ए डॉक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, उस वक्त जाना चाहिए जब कोई भी चीज़ आपकी रूटीन पे अनयूजुअल हो। सही सही, मतलब रूटीन पे आपके नहीं है, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि खांसी, नज़ला, बुखार कुछ दिनों के लिए होता है, तो वो तो मतलब कंट्रोल में आया तो उसका मतलब हम सेट हैं, लेकिन कितने दिन तक मतलब ये रहे, जैसे होता है ना कि एक हफ्ता हो गया नहीं सही हो रहा, तो फिर मतलब डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ आपके सवाल से, मुझे एक चीज़ अभी बहुत सारे लोग बेंगे डॉक्टर मुझसे पूछते हैं जी। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना जी, जी हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है, सही, जब भी इस डिजीज़ का नाम क्या है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड नहीं हुआ और उनको इस तरह की अलामत है, तो ये ज़रूरी नहीं उसको कोविड हो, हर नज़ला ज़ुकाम हो, हर कोविड नहीं होता, सही, लेकिन क्योंकि आजकल हर जगह कोविड कोविड है, तो इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसका तो पहले डायग्नोज होगा वेदर दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोविड और नॉट। वो लोग जिनको कोविड हो चुका है और उनको इस तरह की चीज़ें आएँ, मेरे कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जिनमें जो लैंसेट जिसका जिक्र किया मैंने, मेडिकल और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं, रिसर्च मौजूद हैं कि 6 महीने तक कोविड का रिजल्ट नेगेटिव आ गया जी, और उसको 6 महीने गुजर गए हैं, स्टिल ही सफरिंग फ्रॉम
ब्रेथलेसनेस, थकावट का एहसास और दिल बैठा जा रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया, ऐसी चीज़ें उसको मतलब इवन आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने तक, आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, अच्छा। ऐसे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जहां पर 6 महीने के तक उनको इस तरह की अलामत रहती है। अच्छा। तो इसका बेस्ट तरीका आंसर जो है वो यही है कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड कीप इन टच विथ योर डॉक्टर। आप अब जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया उससे आप रबते में रहें, सही है, उससे रबते में रहें। और अपना खाना पीना जो है आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस रूटीन में जैसे होता है कोविड के बाद जो है अपना खाना पीना इंसान को किस तरह रखना चाहिए? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मतलब इससे बचने का थोड़ा आप मुझे बताएं कि हमारे हजार मतलब होता है ना कि इससे कोविड आफ्टर कोविड मतलब इंसान बहुत कुछ लोग होते हैं देखा अब तक कोविड हो गया अब कुछ नहीं होगा, प्रिवेंशन की आप बात कर रहे हैं? जी जी, जी। देखें इस बीमारी डिजीज का क्या नाम है, पोस्ट कोविड, मतलब ये उनको होगा जिनको कोविड हुआ है जी। अगर हम कोविड ना होने दें तो ये नहीं होगा, बड़ा लॉजिक है जी जी। ये बीमारी जो है ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, यानी उनको होगा जिन्हें कोविड हुआ है, अगर हम कोविड ही ना होने दें तो फिर इस बीमारी से एटलीस्ट बच जाओगे, ऐसा ही है ना जी। तो इस बीमारी से बचने का क्या तरीका है, सिंपल 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 जो SOPs हैं, वॉश योर हैंड, कवर योर फेस, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी हाइजीन, 6 फुट का फासला, यही है ना SOPs जो हेल्थ कैनेडा का भी यही है, दुनिया भर में यही है, CDC का हो, WHO कहीं पर भी हो, आपने अपने आप को कोविड से बचा लिया तो किससे बचा लिया, पोस्ट कोविड से बचा लिया। अच्छा इसमें एक ग्रुप है, मैं इसमें एक चीज बताता चलूं कि वो कौन से लोग हैं जो रिस्क फैक्टर में है, ये अक्सर लोग ये पूछते हैं कौन किसको होने के चांसेस हैं। एक तो स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, उन तमाम लोगों को होने के चांसेस है जिनको कोविड हुआ है, जिनको कोविड हुआ है उनमें से किसी को भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, नंबर वन। दूसरी चीज जो स्टडी में जो चीज़ सामने आई है, जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है, वो ये है कि देखा ये गया है कि 50-50 प्लस एज लोगों को पोस्ट कोविड सिंड्रोम ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू तो सॉरी नंबर टू नंबर वन ये कि जिसको कोविड हुआ उसको तो चांसेस हैं। तीसरी चीज़, तीसरा वो ये बताते हैं कि जिनको वो ऐसे लोग जो सीरियसली इल या क्रिटिकल इल रहे हों, अच्छा। जो हॉस्पिटलाइज रहे हों, जो ICU में गए हों, जो वेंट में गए हों, वो लोग जो सीरियस रहे हों कोविड के इलाज के दौरान, सीवियरली इल हो या क्रिटिकल इल हो, उन लोगों में पोस्ट कोविड सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, थेरेपीज़ हैं, कुछ लोनलीनेस है, कुछ लोग जो बिल्कुल अलहदगी में रहते हैं और क्या कहना चाहिए, आइसोलेशन में रहते हैं, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा अच्छा, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं एंडिंग में कोई आप हमारा मतलब नाज़रीन को मैसेज कोई देना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम क्योंकि स्पेसिफिक है कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग हॉलर्स, लॉन्ग कोविड, मैंने कहा ना 3-4 नाम है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम ज़्यादा मारूफ है। इसमें देख लें कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बचने का एक तरीका तो ये है, जो मैसेज है मैं देना चाहूँगा कि अपने आप को गोके कनाडा मॉन्ट्रियल क्यूबेक और कनाडा में दीगर शहरों में भी कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है, और पूरे ग्लोब में भी यही हाल है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पास ये लाइसेंस है कि आप जो चाहें करें। प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी आपको फॉलो करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी आपको फॉलो करना है, और मैं बताऊँ कोविड से बचना आपके अपने हाथों में है। सही, और आपके अपने हाथों में कैसा है, बस अपने हाथ को धोते रहें, सफाई करते रहें और जो SOPs उसको फॉलो करते रहें, तो डेफिनेटली आप अपने आप को कोविड से बचा लेंगे, कोविड से बचाएंगे पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बचाएंगे, पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बचाएंगे तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे अपने आप बचाएंगे। सही सही सही। डॉक्टर साहब आज मतलब आपका टॉपिक था पोस्ट कोविड के हवाले से, और हमारे नाज़रीन को यकीनन पसंद आया होगा, और हमारे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हम लोगों को आगे से मतलब व्यूज़ वगैरह सब बहुत अच्छे कमेंट्स वगैरह लोगों ने हमसे सवाल पूछे। जी जी बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कोई अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, और आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, वो प्लीज़ हमें करें और हमसे शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर फ़हीम के साथ। इजाज़त दीजिए निदा ख़ान को, अल्लाह हाफ़िज़।